नमस्कार, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश नीरज और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश की। आज हमारे साथ कांग्रेस के जाने माने नेता जगजीत सिंह बोरा कंगी हमारे साथ मौजूद है, जो एक्स काउंसिल अकाली दल के प्रधान भी रह चुके हैं। सर, आप अकाली दल से कांग्रेस में आने का क्या रहा आपका, क्या खास मुद्दा था जो आपने कांग्रेस में? खास मुद्दे की बात ये है कि मैं कांग्रेस छोड़ के अकाली दल में शामिल हुआ था। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल जी बड़े बाल साहब से मेरा बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है भी, मगर मैंने दो इलेक्शन लड़े। मेरे ख्याल में जिंदगी में मेरी 65 साल की उम्र में जितना बेईमान बीजेपी पार्टी को मैंने देखा है, भी वो देख के मैं ये डिसीजन लिया है कि वापस में कांग्रेस में आ। बीजेपी में किरण खेर बहनजी के लिए पिछली बार काम किया वो मानते हैं, आप उनसे पूछ के देख लेना, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कांग्रेस में आने के बावजूद भी मेरे को अप्रिशिएट किया है। बीजेपी में मेरे ख्याल से एक आदमी छोड़ के हरेक आदमी बेईमानी पे खड़ा हुआ, जहाँ भी चोरी ठगी जो काम करते ही पिछले 5 साल में शायद किरण खेर को काम करना चाहती थी, मगर बीजेपी की लीडरशिप स्पेशली संजय टंडन जी ने साहब को खराब किया, किन किन बेटी को खराब किया। मैं बीजेपी की हाईकमान से बोलना चाहता हूँ, ऐसे आदमी को पार्टी का अध्यक्ष बना के रखने का कोई मतलब नहीं। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जिन्होंने अपनी लीडरशिप में संजय टंडन ने पूरी मशीनें सेट करके अपनी मर्जी के काउंसलर जिताए हैं, हालांकि काउंसलर सारे मेरे मित्र हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर मैं ये जानता हूँ कि जैसे उनको जिताया है तो मेरा इनसे मन घटा होगा भी इस पार्टी में रहने का, कोई मेरा आधार नहीं बनता। तो सर, भाजपा ने अब तक कुछ काम किया है कि नहीं किया है, आप क्या सोच रहे हैं? भाजपा ने काम यही किया है, चोरी ठगी का। ये देखो, अनिल दुबे मेरा छोटा भाई है, बच्चों जैसा है, काउंसलर है वो। पिछले इलेक्शन में किरण खेर जी आए थे, कमला में मीटिंग हुई थी उनके इलेक्शन के संबंध में, दुबे जी के साथ कम से कम 500-700 वर्कर वहां से मौली जगह से आया था। उसकी स्ट्रेंथ देख के संजय टंडन जी ने उस पर अटैक कराया, उसके पेट पीठ में कहते हैं पीठ में छुरा मारा, एक्चुअली छुरा मारा। वो तो दिलेर आदमी है, ठीक होकर दोबारा काम पे आ गया। मतलब बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि चंडीगढ़ में जितना बीजेपी का बुरा हाल है कहीं भी नहीं हो सकता। चाहे जैन साहब है वो भी तंग आके घर बैठे हैं, धवन साहब की वजह से किरण खेर बहनजी इलेक्शन जीता था, आज वो भी आम आदमी पार्टी में टिकट लड़ रहे हैं। कोई भी अच्छा आदमी बीजेपी में रहना पसंद नहीं कर रहा है। तो सर, आपका कहना है कि संजय टंडन जी की वजह से ये सब हुआ है गुटबाजी, और जिसकी वजह से लोग और जो नेता है उनको अनदेखा किया जा रहा है पार्टी? अनदेखा करते तो कोई बात नहीं, स्पेशली जलील करते ये लोग। जिस दिन चंडीगढ़ में कॉर्पोरेशन इलेक्शन था, मैं प्रधान जी सुखबीर बादल से मिलके आया हूँ, उनसे बैठ के खुली बात हुई है। उन्होंने मेरी हाजिरी में बीजेपी की लीडरशिप को बुला के उनको बोला कि हमारी आगे 4 सीटें हैं, इस बार हमारा प्रधान बोल रहा है कि 10 मांग रहा है, आप इसको 5 सीटें जरूर दो। बात होगी, बात होने के बाद संजय टंडन ने हरजिंदर कौर हरदीप सिंह को दोनों को मैनेज किया, दोनों को बोला, हरजिंदर कौर को चेयरमैन नहीं देने की प्रॉमिस किया, हरदीप को बोला भी हम तेरे को जैसे मर्जी जिताएंगे जिताएंगे। दोनों ने अकाली दल की पीठ में ऐसा छुरा मारा, 3 सीटें जो पहले थी वो भी इन्होंने हरा दी। और चंडीगढ़ जैसे कि कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से अच्छे दिन आ जाएंगे और ये हम सब कुछ आईटी हब बना देंगे, इसके बारे में? पिछले 5 साल में तो जो लोगों का पैसा वो भी इन्होंने निकाल लिया, और कौन से अच्छे दिन आएंगे? मैं तो चंडीगढ़ के लोगों से अपील करता हूँ, दोबारा ये गलती मत करना। पवन कुमार बंसल जी बहुत बड़े मार्जिन से आगे चल रही हैं, तो ये 2 दिनों में और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने जा रही है, कोई चक्कर वाली बात नहीं। किरण खेर बहनजी को तो उनके अपने वर्कर है जो वही बिल्कुल लेट डाउन कर रही हैं। मेरे को दुख तो लगता है कभी, तो किरण खेर बहनजी से हमारे 1973 से रिलेशन है, मगर मजबूर हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। बीजेपी पार्टी का बिल्कुल बेड़ा कर संजय टंडन ने किया है, अगर उसको अब भी ना बदला तो मेरे ख्याल में चंडीगढ़ में कोई बीजेपी का नाम लेने वाला एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा अगले साल। तो आने वाले इलेक्शन में जैसे 19 तारीख को चंडीगढ़ में इलेक्शन हो रहे हैं,
23 तारीख को चुनाव के नतीजे आ रहे, तो आपको क्या लग रहा है कि भाजपा आएगी कि या कांग्रेस आएगी? 100% कांग्रेस आएगी। अगर मशीनों का चमत्कार हो गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, करेंगे जरूरी है। अभी उधर इलेक्शन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मानते नहीं, इलेक्शन कमीशन वाले वो नहीं मानते, मैं तो इस बात से हैरान हूँ। इतने सीनियर अफसर मेरिट पे तो को बात करना चाहते ही, अपनी गुंडागर्दी चलती है, एक जगह पकड़े जाती है, दो दिन छोड़ डाल के उसको ठप कर देते हैं, आगे फिर चल पड़ते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ, अगर मशीनें प्रॉपर हुई तो बंसल जी कम से कम 2 लाख से ऊपर जीते। तो पवन कुमार बंसल जी का कार्यकाल अब अच्छा, कहते हैं पहले अच्छा था या अब आने वाले समय में और बेहतर हो सकता है? उनका पहले भी अच्छा था, अभी इलेक्शन मीटिंगों में सुनता रहा हूँ, मेरा बिल्कुल उम्मीद है कि आगे से बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा है कि मैं हर हफ्ते 10 दिन में जनसभा किया करूँगा, लोगों के बीच आके बैठूंगा, उनके किले छिपे दुख से लिप सुनूंगा, बेस्ट पॉसिबल काम करेंगे चंडीगढ़ की बेहतर बनाने के लिए, चाहे गार्बेज बैंड का काम है, चाहे हाउसिंग बोर्ड का काम है, सब काम प्रायोरिटी में मैं करवा के दूंगा। पहले भी उन्होंने करवाए हैं, जब मैं काउंसलर था उस समय 5 साल में आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हाउसिंग बोर्ड में कोई इतना बड़ा कोई एक्शन किसी के खिलाफ नहीं हुआ। हिस्ट्री में पहली बार मैंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के, प्रधान सेक्रेटरी लेके, चीफ इंजीनियर तक सारे अफसर को हमने ऑनर किया लोगों को काम करने के लिए। दोबारा फिर वही काम करेंगे, अफसरों से बैठ के बातचीत करके हल निकालेंगे मसला, लोगों को पूरा आराम से अपना जिंदगी निकालने का टाइम देंगे। अब जैसे कल भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और कांग्रेस वालों ने पहले ही बोला, तो आपको आपने क्या देखा कि अभी उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं कि वही घोषणा पत्र दोबारा से उन्होंने वापस से लागू? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है ना, अगर आप किसी से मिले तो उसको पिछला घोषणा पत्र दिखा देना कि भाई ये पिछला था, इसमें क्या हुआ, अगले की दुबार छोड़ो आप। जो पिछला घोषणा पत्र था उसमें से एक को भी पिन पॉइंट कर दे भी हमने ये काम कर दिया, तो मैं जो बोलेंगे वो करने को तैयार। आप चंडीगढ़ में रहते हो, प्रेस का काम करते हो, मेरे ख्याल से जितना मेंटली टॉर्चर इस 5 साल में चंडीगढ़ के लोग हुए हैं, कोई भी सूझवान आदमी इनको वोट नहीं डालेगा। चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए अब भाजपा का चलते करना ही ठीक है। मोदी प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, उनकी अपनी सोच है, अपना काम का स्टाइल है। मतलब आज तक मेरी जिंदगी में इतने प्राइम मिनिस्टर आए और इतने चले गए, जितना मोदी ने इलेक्शन में भाग दौड़ मचाई है मैंने आज तक किसी प्रधानमंत्री को देखा नहीं। मेरे को ये लगता है कि प्रधानमंत्री के पद को भी मोदी जी ने ठेस पहुंचाई है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं। अब जैसे कि बंसल जी यहाँ पे मेट्रो लाने वाले थे, अब किरण खेर जी कह रही थी उसकी जगह पे हम मोनो रेल लाएंगे, तो ये क्या बेहतर रहेगा कि वो किरण खेर बहन जी 5 साल तो बैठे रहे यहाँ, अब क्या मोनो ट्रेन लाएंगे, वो मेट्रो लाएंगे, बंसल जी लाएंगे, हर हाल में आएंगे। किरण खेर जी को उनको बैठा के हम घुमाएंगे साथ में, कोई बात नहीं, पुरानी साथी है, पुरानी बहन है वाली, अभी तो बंसल जी आएंगे बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ चंद्र प्रकाश नीरज की, अर्थ प्रकाश की। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।